पर जबलपुर से जहां कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण विवि प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज दूसरे दिन भी कर्मचारी तालाबंदी कर हड़ताल पर हैं। कृषि विवि के केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने बताया कि कर्मचारियों ने समय समय पर पत्राचार के माध्यम से विवि को मांगों से अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री निखिल द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम सभी कर्मचारी आंदोलन करते हैं। अपनी प्रारंभिक चार मांगों को लेकर सत्र मांगे हमारी थी, जिसमें चार मांगे हमारी प्रमुख थी। अब जो हमारी मांगे हैं पूरी प्रशासन स्तर पर ही है, हमारी ऐसी मांग नहीं है जिसको प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया जा सके, लेकिन हमारी मांगों पर प्रशासन सर्वतोभ कालम को भी रखते हुए हीन हवाले कर रहा है, जिसके कारण हम आंदोलन के लिए विवश हैं और हमारे कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है कि हम हमारे अध्यक्ष श्री निखिल द्विवेदी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे, जब तक कि प्रशासन द्वारा हमारी जो प्रमुख चार मांगे हैं, जिसमें प्राथमिक वेतनमान का एरियर है जो 27 महीनों का है, टाइम पे स्केल जो हमारी समस्याएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं, दैनिक वेतन भोगी की जो वेतन भी चल सकती है, और 158 घंटे के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनके समय समय पर जो श्रमिक का जो होता है कमिश्नर द्वारा वेतन वो जब तक पूरी नहीं होती है, ये हमारा आंदोलन अनवर रूप से जारी रहेगा। आपका नाम बताइए। मैं राकेश बोलकर। हम अपनी 17 सूत्रीय मांगों के लिए पिछले 24 तारीख से क्रमबद्ध हड़ताल कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री साहब ने सुना है आज मीटिंग की वजह से हम लोग इसके इंतजार में हैं। यदि हमारे पक्ष में न्याय आता है तो हम लोग हड़ताल वापस लेंगे, अदरवाइज हम लोग हड़ताल करने पर बात नहीं करेंगे। तो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं तो अभी आप लोगों की बात हुई है बीसी साहब से, कुछ आपका आश्वासन मिला? कल से बात कर रहे हैं, अभी 3 बजे से मीटिंग है। आपका नाम बता दीजिए। 27 जुलाई 2023 से हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष